ब्रजेश जी, ये जो वंचित वर्ग मोर्चा है, उन्होंने आज संगोष्ठी सेमिनार का आयोजन किया है पटना में, क्या उद्देश्य है इसका? रोक दीजिए 2 मिनट जी। वंचित वर्ग की समस्या तब भी थी और आज भी है, लेकिन विगत 10 वर्षों के अंदर जिस तरह से वंचित वर्गों की हक और अधिकार को सरकार के माध्यम से कटौती किया जा रहा है, इसके लिए विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने के लिए वंचित वर्ग को एकत्रित कर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु यह कार्यक्रम आज माननीय उदय नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। वंचित वर्ग धीरे धीरे ये बात समझ रहा है कि हमारा अधिकार, हमारा जो वोट है, वो इलेक्शन के समय में ले तो लेता है, लेकिन हमारे अधिकार के प्रति जब हम मांग करने लगते हैं तो वो मुकर जाता है। इसलिए जम के वंचित वर्ग पूरे हिंदुस्तान में संगठन बनाकर अपनी जो लड़ाई है उसको जारी रखने के लिए आज पटना में वंचित समाज वर्ग के बैनर तले ये एक सेमिनार कर संकल्प लिया है कि हम पूरे हिंदुस्तान में अपना ये लड़ाई जो है जारी रखेंगे और निश्चित रूप से एक दिन कामयाब होंगे। और अंत में उदय नारायण चौधरी के प्रति जो ये साहसी कार्यक्रम उठाया वंचित समाज के अधिकारों का, इसके लिए उदय नारायण चौधरी के प्रति भी लोगों ने आभार व्यक्त किया।